आज हम अपना एक नया लेक्चर लेके शुरू करेंगे जिसका नाम है वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। तो जब हम अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, तो जब एक शिशु का जन्म होता है उससे लेकर जब एक वृद्ध इंसान की मृत्यु होती है, तो वो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है। तो हम आज इन्हीं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो जीवित इकाई का प्रमाण यही होता है कि उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आपको पता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और परिवर्तन हमारे जीवन में निरंतर होता रहता है। तो परिवर्तन की गति धीमी हो या तीव्र हो, वो अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का स्पीड होता है इस चेंज की, लेकिन यह परिवर्तन कभी रुकता नहीं है। और यही नहीं, धनात्मक या ऋणात्मक, मतलब कि वृद्धि या ह्रास भी ये हो सकता है। सो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्डलॉक के अनुसार विकास की मुख्य दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है जन्म से पहले की अवस्था और एक होती है जन्म के बाद की अवस्था। तो जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको हम प्री नेटल, अगर इंग्लिश में जानो तो इसको प्री नेटल अवस्था कहते हैं, या उसको जो है अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको जन्म से पहले की अवस्था कहा जाता है, जन्म से पूर्व अवस्था। तो ये जो प्रीनेटल अवस्था होती है, ये गर्भाधान प्रक्रिया से लेकर शिशु के जन्म की अवस्था तक रहती है, यानी कि जहां से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है वहां से लेकर बच्चे के पैदा होने की जो अवस्था होती है वो जन्म के पूर्व वाली अवस्था होती है। इस अवस्था के तीन भाग होते हैं, उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होती है बीज अवस्था, जाइगोटिक स्टेज जिसको कहते हैं, बीज अवस्था, ठीक है, बीज अवस्था या बीजावस्था बोल सकते हैं। इसको डिम्बावस्था भी बोलते हैं या जाइगोटिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, डिम्बावस्था भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको जाइगोटिक स्टेज भी बोलते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है भ्रूणावस्था, विच इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। तो भ्रूण, आपने सुना होगा ना, भ्रूण के लिंग की जांच करना कानूनी अपराध होता है, तो वो भ्रूणावस्था होती है, दैट इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। और जो तीसरी होती है वो होती है गर्भावस्था, विच इज द पीरियड ऑफ द फीटस। तीसरा जो होता है वो होता है गर्भावस्था, विच इज द पीरियड ऑफ द FOETUS, फीटस, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं जो कि जन्म के पूर्व होती हैं। तो चलिए इन्हीं अवस्थाओं को हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डिम्बावस्था के बारे में। निषेचन जो होता है वहां से लेकर, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर आगे के 15 दिन तक की जो अवस्था होती है वो डिम्बावस्था होती है। फर्टिलाइजेशन टू द फर्स्ट 15 डेज, वो कौन सी अवस्था होती है, वो डिम्बावस्था या बीजावस्था उसको बोलते हैं। इस डिम्ब अवस्था में निषेचन, डिम्ब की कोशिकाएं गुणात्मक संख्यों में बढ़ती रहती हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ये मल्टीप्लाई करती रहती है, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64, इस तरह से ये जो पीरियड होता है जाइगोटिक स्टेज, इसमें बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन होता चला जाता है, ठीक है। और ये जो अंडवाहिनी होती है, ये निषेचन डिम्ब ही अंडवाहिनी से गर्भाशय में आकर ये जाकर एक जगह पे स्थित हो जाता है। इस क्रिया में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, और इस निषेचित डिम्ब की बाह्य परत जो होती है वो एक आहार नाल होती है, और वो जो है एक सुरक्षात्मक झिल्ली का रूप ले लेती है और सुरक्षात्मक झिल्ली का निर्माण कर देती है, जिससे जो जो ये जो जाइगोट होता है ये माँ से सारा आहार ले सके, सारा पोषण ले सके। सो अंतरिक पूर्व, जो अंतरिक परत होती है वो शिशु का विकास करती है। और इस अवस्था में ही मुख्य 4 बातें इस अवस्था को निर्धारित करती हैं। पहली चीज वंशाक्रम,
यानी कि हेरिडिटरी ट्रेट्स जो होते हैं, वंशानुक्रम प्रदत्त विशेषताएं जो होती हैं, तो वो हेरिडिटरी ट्रेट्स इसी अवस्था में आते हैं। शिशु का लिंग इसी अवस्था में आता है। शिशु एक है या जुड़वा है या तीन है या चार है, शिशु की संख्या जो है वो इसी अवस्था में पता चल जाती है। और जाहिर सी बात है कि परिवार में शिशु का क्रम क्या है वो भी इसी अवस्था में पता चल जाता है कि पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है। तो हेरिडिटरी ट्रेट्स इसी अवस्था में आते हैं। शिशु का लिंग पता चलता है, एक है, दो है या ज्यादा है ये पता चलता है, और परिवार में शिशु का क्रम इसी जायगोटिक स्टेज या डिम्बा अवस्था में पता चल जाता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता ये होती है कि प्लेसेंटा नामक उत्तक का निर्माण होता है, और प्लेसेंटा के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं? पहली चीज, भ्रूण या फीटस जो होता है उसको माँ के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मिलना, जो फीटस को मिलता है वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। और दूसरा, भ्रूण या फीटस के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका निकलना, यानी कि जो गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सक्रीटा होता है, वो इसी से निकलता है। तो दूसरा जो चरण होता है बच्चों, वो होता है भ्रूणावस्था। और ये जो भ्रूण चरण होता है वो गर्भदान के अंत से 2 महीने बाद तक रहता है, यानी कि एंड ऑफ 15 डेज टिल 2 मंथ्स। और शिशु के विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में धीरे धीरे करके सभी अंग बनने लगते हैं, और इस भ्रूणावस्था के अंत में भ्रूण केवल 1 इंच लंबा होता है। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है आपकी गर्भावस्था या पीरियड ऑफ द फीटस। और इस अवस्था में क्या क्या होता है? सबसे पहले जो है दूसरे माह के अंत तक, एंड तक, पहले भ्रूणावस्था में क्या हुआ, आपका 1 महीने तक भ्रूण के यौन अंग बनने लगे। उसके बाद दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के सभी आंतरिक अंग विकसित होने लगे। फिर गर्भावस्था में जब आ गए, यानी कि थर्ड स्टेज पे आ गए, तो 4th महीने में शिशु के हृदय की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। 5वें महीने में आंतरिक अवयव पूर्ण विकसित होकर अपना सही स्थान ग्रहण कर लेता है, और 7वें महीने में यदि शिशु जन्म ले ले तो बाह्य वातावरण यानी कि बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहां हम लोग रहते हैं वहां से वो समायोजन सामंजस्य बना सकता है, और वो जीवित भी रह सकता है। पर उसकी देखभाल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। आपने सुना होगा 7वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है बहुत उसकी देखभाल करनी होती है। तो ये गर्भावस्था का स्टेज हो गया। तो चलो बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान माँ की देखभाल कैसी करनी चाहिए। तो गर्भावस्था शरीर में विभिन्न परिवर्तन लाती है, आपको पता ही है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें शरीर की मांग को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। माँ को अपने स्वास्थ्य का इस दौरान बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तो माँ को अपना पोषण और अपने पेट में पलने वाले बच्चे का भी पोषण का ध्यान रखना चाहिए। प्रसव के पहले विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, आ जाइए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे होता पहले होता है पोषण। शरीर की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों के अतिरिक्त संतुलित आहार की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त 350 किलो कैलोरीज और सामान्य आवश्यकता के लिए 23 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, जो ये गर्भावस्था होती है वो माँ के शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाती है, और इसी दौरान हमें माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है, बिकॉज उसके शरीर की जो मांग होती है उसको हमें पूरा करना बहुत जरूरी है, और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है। माँ को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को आगे चल के तकलीफ ना हो, प्रसव के बाद माँ को तकलीफ ना हो। इसीलिए प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करने के लिए हमें कुछ
बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है पोषण। तो शरीर की बढ़ी हुई मांग को हमें पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अतिरिक्त इसके जो हम नॉर्मल किलो कैलोरीज लेते हैं, यानी कि एक नॉर्मल अगर फीमेल को देखा जाए तो उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो टोटल कैलोरीज लेनी चाहिए, उसके अतिरिक्त हम 300 कैलोरीज ऐड करके देते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है, जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है उससे हम 23 ग्राम प्रोटीन हम ऐड करके देते हैं, ठीक है। धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जन्म के समय कम वजन के शिशु इससे पैदा हो सकते हैं। शराब से आंख, कान, हृदय और बहुत सारी चीजें जैसे उंगलियों का विकास जो है वो असामान्य रूप से होता है और कई बार छोटे सिर के वाला बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें जन्म देने वाली महिला को ये बताना चाहिए कि उसको धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर माँ की उम्र, माँ की आयु 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अगर ज्यादा होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। और इस 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष के बीच मंद शिशुओं का अनुपात ज्यादा होता है, 22 से 35 वर्षों की महिला की अपेक्षा। ये कारण क्या होता है कि महिला में प्रजनन अंगों का कम विकसित होना होता है जब वो 22 साल से 20 साल से कम की होती है, और जब बड़ी उम्र की महिला हो जाती है तो उनके अंगों की प्रगतिशील गिरावट होने लगती है, तो इस वजह से बच्चा जो पैदा होता है वो मंद हो सकता है। तो चलिए, ये तो जन्म के पहले की अवस्थाएं थी, अब हम जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं जिसको हम पोस्ट नेटल या जन्म के बाद की अवस्थाएं कहते हैं। तो ये जो पोस्ट नेटल अवस्था होती है या जन्म के बाद की अवस्था होती है, ये शिशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की अवस्था एक क्रम में चलती जाती है जिसके लगभग 7 भाग होते हैं, उन्हें 7 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है इन्फेंसी या जिसको हम नवजात अवस्था बोलते हैं। नवजात अवस्था का नाम दिया है इसको, इंग्लिश में इन्फेंसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये होती है 0 to 4 weeks की ये अवस्था होती है जन्म के बाद की। विभिन्न अवस्थाओं में सबसे क्षणिक अवस्था नवजात अवस्था होती है। ये जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था होती है। इस क्षणिक अवधि में इसको भी हमने 2 भागों में बांटा गया है और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। पहला होता है एक जो होती है अवस्था ए, जिसको कहा जाता है बच्चों के आहार नाल काटने के पहले की अवस्था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पार्चनेट पीरियड, ठीक है। जो बच्चे की आहार नाल होती है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसको काटने से जो पहले की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं पार्चनेट अवस्था। यह अवस्था मुश्किल से 15-20 मिनट की होती है क्योंकि शिशु के जन्म के बाद आहार नाल काटने में लगभग 15-20 मिनट का समय लगता है। अब शिशु स्वतंत्र उस समय तक नहीं होता है और आहार नाल को अलग करते ही, उसको काटते ही शिशु स्वतंत्र हो जाता है और अब वह खुद से अपना बाह्य वातावरण में वो एक सामंजस्य पैदा करता है और वो अपने आप को अडैप्ट कर लेता है। और जो दूसरी अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, नियोपेट, यानी कि आहार नाल काटने की बाद की अवस्था, जिसको हम नियोपेट पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा जब स्वतंत्र होकर नए वातावरण किसको में अपने आप को समायोजित कर लेता है, वो एक नियोपेट अवस्था हो जाती है। इस अवस्था की चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सिर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बड़ा होता है। अगर आप नापिएगा तो आपको लगेगा कि एक अडल्ट का जो सर होता है, अडल्ट की जो बॉडी होती है, उसमें सर जो है बाकी के हिस्से के हिसाब से काफी छोटा होता है। लेकिन अगर आप नवजात शिशु को देखेगा तो आपको ये दिखाई देगा कि
उसका जो सर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जब हम अडल्ट के हिसाब से उसको कंपेयर करते हैं। फिर जो उसका कपाल क्षेत्र होता है यानी कि जो उसका क्रेनियल रीजन होता है, क्रेनियल रीजन या फिर कपाल क्षेत्र जो होता है वो सिर के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। आगे वाला,